गाजियाबाद में देर रात से अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट अभियान चलाकर अलग अलग थानों से वांछित जिला बदर आदि मामले के आरोपियों की धरपकड़ की गई। 12 घंटे चले इस ऑपरेशन में विभिन्न थानों से तकरीबन 150 अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिन पर कई आपराधिक मामले चल रहे थे। साथ ही कई पर जिला बदर की कार्यवाही की गई। गाजियाबाद के अलग अलग थाना क्षेत्रों से लगभग 150 ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है जो फरार चल रहे थे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये कार्रवाई महज 12 घंटों में पूरी कर ली गई, जिसने इतने अपराधियों की धरपकड़ की गई। क्यों सर, 12 घंटे का ऑपरेशन चला ऑल ओवर, बड़ी कार्रवाई पुलिस के हाथ लगी, तकरीबन 150 करीब अपराधी पकड़े गए, क्या पूरा मामला के कितने लोग अब तक गिरफ्तार हुए? देखिए, ये जो मेरे दोनों एडिशनल एसपी सामान मेरे साथ बैठे हैं, इनके ये इनसे विचार विमर्श करके एक ऑपरेशन ऑल आउट हमने प्लान किया था, और उसमें जितने भी वांटेड क्रिमिनल्स हैं, वारंटेड क्रिमिनल्स हैं, जो जिला बदर हैं, इस टाइप के जो क्रिमिनल्स हैं जो रहने नहीं चाहिए जिले में, उनकी एक लिस्ट बनाई गई थी थाना वाइज, और उन्हें पकड़ने की जिम्मेदारी पूरी एक रात में पकड़ने की जिम्मेदारी सीओ सावान को दी गई थी। उनके द्वारा थाने से प्लानिंग की गई, विभिन्न टीमें बनाई गई और स्वयं सब लोग मौजूद रहे, और एक बड़ी सफलता 143 क्रिमिनल्स पूरे जनपद में 12 घंटे में मात्र पकड़े गए, एक बहुत बड़ी सफलता जनपद पुलिस टीम के लिए है, और पुलिस ने एक टीम वर्क की तरह काम किया और इसे अंजाम दिया, तो एक बड़ी सफलता पुलिस के लिए। सर, जैसा कि आपने कहा एक लिस्ट बनाई, वो लिस्ट कितने अपराधी और कितने पकड़े गए, कितने बच्चों? देखिए, लगभग 200 के आसपास की लिस्ट ये बनाई गई थी, और उसमें सभी तरह के लोग शामिल किए गए थे, तो 143 के लगभग उसमें से पकड़े गए, और 15 उसमें जो लिस्ट थी उसमें विभिन्न रेट्स में सरेंडर हो चुके थे, जिसका रिकॉर्ड पुलिस के पास नहीं था, तो 15 भी अकाउंट फॉर हुए हैं। तो इसका 35-36 जो लिस्टेड क्रिमिनल्स हैं वो अभी रह गए हैं, और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास अभी और किए जाए। हालांकि एसएसपी और जिले के अन्य अधिकारियों के इस तरह की कार्यवाही से अपराध तो कम होगा, लेकिन क्या ये कार्यवाही महज खाना पूर्ति बनकर न रह जाए?